सो लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ के ऊपर जब हम बात करते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ इज़ वेरी बेसिक थिंग। जब हम बात करेंगे कि चार फेजेस पाए जाते हैं, चार फेजेस होते हैं लैग, लॉग और लाइक स्टेशनरी एंड उसके बाद डेथ फेज। लैग फेज जो होता है सेल्फ अडॉप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट, यहाँ पे नेट ग्रोथ जीरो होती है। एक्सेलरेशन फेज में ग्रोथ स्टार्ट होता है जहाँ पे म्यू इज लेस देन म्यू मैक्स होता है लेकिन जीरो से ज़्यादा हो जाता है। ग्रोथ फेज में अचीव हो जाता है म्यू म्यूट मैक्स के लिए। डिक्लाइन फेजेस में म्यू मैक्स से कम हो जाता है, स्टेशनरी में फिर से जीरो, डिक्लाइन में लेस देन जीरो हो जाता है। ये जो एक्सेलरेशन ग्रोथ एंड डिक्लाइन है ये तीनों फेज मिलके ही लॉग फेज आ जाता है। लॉग फेज में पहले एक्सेलरेट करेगा, फिर ग्रोथ करेगा, फिर डिक्लाइन होगा। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेट किया, लाइक हियर दिस इज लाइक, यहाँ पे क्या है इन दिस लैग फेज एक्सेलरेशन ग्रोथ डिक्लाइन इस तरीके से, फिर स्टेशनरी एंड डेथ फेज। यहाँ पे ग्रोथ फेज को हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल फेज। क्या बोला जाता है इसको, एक और नाम दिया जाता है दैट इज एक्सपोनेंशियल फेज। सो दैट इसको हम एक और नाम देते हैं ट्रोफो फेज। क्या बोलते हैं ट्रोफो फेज, बोलते हैं यहाँ पे आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट की सिंथेसिस होती है। किसकी होती है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस हो जाती है, प्राइमरी मेटाबोलाइट की सिंथेसिस हो जाती है। इसके अलावा डिक्लाइन फेज के ऊपर जब हम बात करते हैं, दिस इज डिक्लाइन फेज। इसके बाद स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज को एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं ईडीओ फेज। क्या बोलते हैं ईडीओ फेज, ईडीओ फेज में जो होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस होती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की सिंथेसिस हो जाती है। यहाँ पे स्टेशनरी फेज में म्यू की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे लेस देन जीरो हो जाता है, इस पर्टिकुलर ग्रोथ में ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, लैग फेज में भी जीरो होता है। दीज आर द केसेस जो कि आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं अलग अलग पर्टिकुलर फेजेस में। तो ये है आपका पूरा का पूरा फेज, पहले लॉग, लॉग के बाद पूरा का पूरा लैग, फिर लॉग, लॉग में आपके अलग अलग फेजेस है एक्सेलरेशन ग्रोथ डिक्लाइन, ये तीनों फेजेस मिलके ही आपके लॉग फेजेस बनते हैं। नाउ अगर हमने आपको चार फेजेस बताया तो लैग फेजेस देयर इज नो इंक्रीज इन सेल नंबर, दैट इज पीरियड ऑफ एडाप्टेशन, इंक्रीज इन द सेल मास। ये जो लेंथ ऑफ लैग फेज होता है वो डिपेंड करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोबियल स्पीसीज, माइक्रोबियल स्पीसीज कौन कौन सी है, कितना इनोकुलम का साइज है, मतलब कितना नंबर, कितना मिलीलीटर आपने कितने ml दिया, कितना उसमें एक नंबर है सेल नंबर या माइक्रोब का नंबर है, एज कितना है, कितना पुराना मीडिया है, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद लॉग फेजेस में जब हम बात करते हैं, ग्रोथ रेट इज़ हायर, इंक्रीज इन द सेल मास, ग्रोथ इज़ हायर, इंक्रीज इन द सेल मास एंड सेल नंबर विद द टाइम इंक्रीज करता है। उसके अलावा जो हो जाता है, दिस इज़ लाइक डिफरेंट डिफरेंट केसेस है आपके, यहाँ पे ग्रोथ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है लॉग फेजेस में। स्टेशनरी वाले जो होते हैं यहाँ पे जो फॉलो करेगा ये क्या है, दिस इज इन द लॉग फेज दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, स्टेशनरी और लैग फेज में जीरो ऑर्डर फॉलो करता है, डेथ फेज में भी फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है लेकिन यहाँ पे स्टेशनरी में जीरो ऑर्डर फॉलो करता है, मतलब स्लोप जीरो हो जाता है, लैग में भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं एंड डेथ फेजेस में ग्रोथ रेट कम हो जाता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, टॉक्सिक एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। स्टेशनरी फेजेस में आपको बताया गया था ग्रोथ रेट डेथ रेट बराबर हो जाते हैं, सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बढ़ना लगता है एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर पे दूसरे सेल को मार मार के ग्रोथ करने लग जाते हैं, जिसको कि हम क्रिप्टिक ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। Now, so some transport mechanisms is there, जैसे पैसिव में जहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए उसमें कई अलग अलग होते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स, लेट सी दैट्स लाइक देखने की कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो आपको क्या बताया गया कि देयर इज लाइक सम एनर्जी एक्सपेंडिचर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, डिफ्यूजन्स, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स इज देयर। एक्टिव में क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड हियर, जैसे कैरियर मीडिएटेड, इसमें क्या होता है कैरियर चाहिए, ड्रिवन बाय द एटीपी, ग्रुप ट्रांसलोकेशंस जिसमें कि मॉलिक्यूल्स मूव्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन साइमल्टेनियसली, ये होते हैं आपके सिंपोर्ट इम्पोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट में मास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल जैसे एंडोसाइटोसिस,
एक्सोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. सो दीज आर द ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स. व्हेन यू सी हियर लेट डिस्कस, जैसा आपको बताया गया डिफ्यूजन में क्या था, नॉन स्पेसिफिक ब्राउनियन मूवमेंट ज़्यादातर होते हैं. डायरेक्शंस डिपेंड्स ऑन द ऑस्मोलैरिटी इन द ऑस्मोसिस. फैसिलिटेटेड में ट्रांसपोर्ट आपके दोनों तरफ हो सकते हैं. जब आप इसी तरीके से देखेंगे कैरियर मीडिएटेड में, जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपेज हो गए, इसके अलावा ग्रुप में आपके नॉर्मली साथ साथ में ट्रांसपोर्ट होते हैं. बल्क में जैसे एंडोसाइटोसिस, एक्सो एंड पिनोसाइटोसिस, दीज आर द एक्टिव ट्रांसपोर्टेड. ये सारे के सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ. कंट्रोल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो फिजिकल आपके केमिकल मेथड यूज किए जाते हैं. स्टरलाइजेशन का मतलब हो जाता है दिस इज किलिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आप क्या कर रहे हैं, स्टरलाइज कर रहे हैं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम है सबको किल करना चाह रहे हैं. जबकि डिसइंफेक्शन का मतलब होता है रिड्यूस द नंबर ऑफ कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स, नॉट ऑल ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं, कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं. दिस इज डिसइंफेक्शन. तो स्टरलाइजेशन इज डिफरेंट थिंग एंड डिसइंफेक्शन इज डिफरेंट थिंग. तो स्टरलाइज करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं. उसमें कुछ टर्म्स आपको जैसे देखिएगा, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, एंटीसेप्सिस, कीमोथेरेपिक. एंटीसेप्सिस कर रहे हैं मतलब केमिकल यूज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ, इनहिबिट कर रहे हो, ठीक है, विद इन द होस्ट टिश्यूज, दिस इज एंटीसेप्सिस. सैनिटाइज करने का मतलब क्या हो जा रहा है, सैनिटाइज कर रहे हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सैनिटाइजेशन भी बोलते हैं, एंटीसेप्सिस करना. डिसइंफेक्शन का मतलब है डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ वेजिटेटिव पैथोजेंस बट नॉट एंडोस्पोर्स, स्पोर्स को नहीं हटा रहे हो, दिस इज डिसइंफेक्शन. स्टरलाइजेशन में आप सब कुछ हटा दे रहे हो, देखिएगा कि ये कितने तेजी से इसका नंबर जो है रिड्यूस हो रहा है. स्टरलाइजेशन में नंबर जो है बहुत ही तेजी से रिड्यूस हो रहा है. सो व्हाट आर द वेरियस कंट्रोल मेथड, फिजिकल, मैकेनिकल एंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स. सो व्हेन यू सी दिस, लिखे फिजिकल अलग अलग मेथड्स है. तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि पहले देखने की कोशिश करते हैं, दीज आर द फिजिकल मेथड्स. फिजिकल मेथड्स में आपके हीट और रेडिएशंस हो सकते हैं, हीट मेथड और रेडिएशंस मेथड. सो हीट मेथड कैन बी ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट. ड्राई हीट होगा तो इंसिनरेशंस, मतलब इंसिनरेशन स्टरलाइज कर दिया, या ड्राई ओवन यूज करते हैं. मॉइस्ट हीट के ऊपर बात करते हैं स्टीम अंडर प्रेशर, जैसे स्टरलाइजेशन, या बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर या पाश्चराइजेशन. अंडर प्रेशर को हम ऑटोक्लेव भी बोलते हैं. एंड इसके साथ साथ देयर इज लाइक मैकेनिकल रेडिएशन मेथड इन द फिजिकल मेथड. रेडिएशन में आपके आयोनाइजिंग रेडिएशंस या नॉन आयोनाइजिंग. आयोनाइजिंग जैसे एक्सरे, कैथोड या गामा रे स्टरलाइजेशन करते हैं, जबकि यूवी जो होता है डिसइंफेक्शन करते हैं, वो स्टरलाइज नहीं करता, मतलब स्पोर्स को किल नहीं कर पाएगा जो जनरली आप लैब वगैरह में यूज करते हैं. मैकेनिकल रिमूवल मेथड इज लाइक फिल्ट्रेशन पे आ जा रहा है. फिल्ट्रेशन में एयर फिल्ट्रेशन डिसइंफेक्शन करेगा, स्टरलाइजेशन नहीं करता. लिक्विड फिल्ट्रेशन आपके स्टरलाइजेशन करते हैं, तो लिक्विड फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन करेगा. केमिकल एजेंट्स के ऊपर बात करते हैं, केमिकल एजेंट्स इज आर दैट, यहाँ पे गैसेज में स्टरलाइज भी करेंगे, डिसइंफेक्ट भी करेंगे. लिक्विड में आपके एनिमेट एंटीसेप्सिस करते हैं, इन एनिमेट जो लिक्विड्स होते हैं वो आपके डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन करते हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है काम करते हैं, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, एंटीसेप्सिस. आपको बताया गया था कि क्या क्या होता है तीनों के तीनों डिफरेंसेस पे. दीज आर द वही सारी टेक्निक से मॉइस्ट हीट यूज़ किया जाता है, ऑटोक्लेव, स्टीम अंडर प्रेशर जिसको हम ऑटोक्लेव बोलते थे, अनप्रेस्टराइज स्टीम, अर्नॉल स्टरलाइजर है, पाश्चराइजर यूज़ कर सकते हैं पाश्चराइजेशन के लिए, बॉइलिंग वाटर, वाटर बाथ ही यूज़ करते हैं लैब में, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं. ड्राई ओवन यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एंड गैस चैम्बर्स के लिए, एंड इंसिनरेशन के लिए बंसन बर्नर फ्लेम्स यूज़ किया जा सकता है. सो लेट्स टॉक अबाउट सम वैक्सीन्स. कुछ वैक्सीन्स के ऊपर बात करते हैं कि वॉट आर द वैक्सीन्स एंड कैसे चीज़ें चलेंगी, ठीक है. तो अगर हम वैक्सीन्स के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं, तो वैक्सीन्स इज समथिंग जो कि सिंपल सी बात है, कुछ आपके होल्ड लाइक किल्ड होल्ड बैक्टीरिया, जैसे कि CPT, ठीक है, कोलेरा, टाइफाइड, प्लेग है, जो कि आपके सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस कहते हैं कि इंजेक्शन किया जाता है. उसके बाद लाइव एटीन्यूएटेड है, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, आपके इंट्राडर्मल होते हैं ट्यूबरकुलोसिस, BCG टीका जिसको बोलते हैं. उसके बाद ए सेलुलर कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड, जैसे कि मेनिनजाइटिस, आपके मेनिंजो को कल हो, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई हो, या न्यूमोनिया, जो कि आपके कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स यूज किए जाते हैं. पर्ट्यूसिस ऑल्सो इज दियर, पर्ट्यूसिस है. टॉक्सॉइड के बेसिस पे टिप्थेरिया एंड टिटनेस पाया जाता है, यहाँ पे पर्ट्यूसिस ऊपर पाया जाता है कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स में.
तो दिस लाइक बॉटिनाइडम डिप्थेरिया एंड टिटनस बीडीटी जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं एंड कंटेन्स इनएक्टिव होल वायरसेस। इन सब का जो न्यूमोनिक्स है वो आपको मैं यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिएगा आपके ई लर्नर में स्मार्ट लर्निंग के, तो वहाँ पे कुछ कुछ न्यूमोनिक्स शेयर किए जाएंगे और आपको अगर मैं न्यूमोनिक्स बनाता हूँ तो उन वीडियोज़ को मैं इन कोर्सेज में भी ऐड कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक न्यूमोनिक्स मैं बना दूँगा जितने भी वैक्सीन्स है क्या यूज़ होने वाला है और कैसे यूज़ होने वाला। तो यू कैन लाइक सिंपल होल सेल में आपका था दिस इज़ लाइक CPT आपके कॉलेरा टाइप्लेग एंड टाइफाइड CPT था, BCG वाला यूज़ किया जा रहा था लाइव एटीन्यूएटेड में दैट ईयर लाइक मेनिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया जो थे आपके कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स एंड पर्ट्यूसिस इज देयर एंड उसके बाद आपके बॉर्डरटेला बॉटिलाइनम डिप्थेरिया एंड टिटनस जो थे टॉक्सॉइड थे। होल वैक्सीन्स में आपके आपके हेपेटाइटिस ए है, रेबीज है, इन्फ्लुएंजा है एंड पोलियो है, दीज आर द होल वायरसेस। एंड इसके अलावा सम आर लाइव एटीन्यूएटेड वायरसेस जिसमें आपके एडिनो वायरस, मिजल्स, मम्स, पोलियो, रूबेला ये आपके हैं। सब यूनिट में हेपेटाइटिस बी है, रिकॉम्बिनेट में हेपेटाइटिस बी, पर्ट्यूसिस आर ऑल्सो देयर इन द रिकॉम्बिनेट वन। सो दीज आर द सम वैक्सीन्स जो आपको ध्यान रखना है। सो देखिएगा CPT, PM, PM, BDT कोड अगर आप ध्यान रखना है तो यार लाइक प्लेग लाइक यहाँ पे आपको बताया गया है PM PCM जो था, PCM में क्या था जो नॉर्मली इन्वॉल्व था कॉलरा प्लेग पर्टाफाइड, PM में न्यूमोनिया मेनिंजाइटिस पर्ट्यूसिस था, इन्फ्लुएंजा ही था, BDT में बॉटिलाइनम डिप्थेरिया टिटनेस ये सारे के सारे इन्वॉल्व हो रहे थे आपके अलग अलग एग्जांपल में। HIRH RIP में मतलब क्या था हीमोफ्लुएंजस इन्फ्लुएंजा सॉरी हेपेटाइटिस ए था, और इसके बाद R था आपके रेबीज, पोलियो था, ये सारे होल वायरसेस है इनएक्टिवेटेड वायरसेस के केसेस थे। सम डिजीजेज आर कॉज्ड बाई सम बैक्टीरिया, कॉलेरा कॉज होता है वाइब्रियो कॉलेरा से, ADP राइबोसाइलेशन ऑफ GS अल्फा सब यूनिट, वूपिंग का बॉर्डरटेला पर्ट्यूसिस, GI अल्फा का ADP राइबोसाइलेशन, डिप्थेरिया कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरिया, EF2 का AB राइबोसाइलेशन, टिटनेस क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, GABA या ग्लाइसिन का रिलीज को रोक देना है, बॉटिलाइनम क्लॉस्ट्रिडियम बॉटिलाइनम, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को रोक देना है, गैस गैंगेज आपके जो होते क्या कहते हैं कि ये क्लॉस्ट्रिडियम परफिडिजेंस से है, अल्फा टॉक्सिन्स करता है लेसिथिनेज को तोड़ेगा आपके, उसके बाद हो जाता है दैट एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस टॉक्सिन्स एडिनाइड साइक्लेज को तोड़ेगा, टॉक्सिक सॉक स्टिफाइलोकोकस ऑरियस सुपर एंटीजन की तरह काम करता है, MSC2 को दिक्कत करेगा GPCR सिग्नलिंग। सो दीज आर सम थिंग्स जो आपके इन्वॉल्व हो जा रहे थे। टिटनस एंड बॉटिलाइनम कहाँ काम कर रहा है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स पे काम कर रहे हैं टिटनस एंड बॉटिलाइनम। सो GABA का रिलीज करता है टिटनस और बॉटिलाइनम करता है एसिटाइल कोलिन का, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखे रहिएगा इन डिजीजेस के बारे में। इसके बाद कुछ वायरस डिजीज जो आपको बताए थे, इन्फ्लुएंजा जो था वो आपके ऑर्थोमाइक्सो सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव सेंस RNA होते थे, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इसके लिए होते हैं, मम्स पैरामाइक्सो वायरस MMR होते हैं, स्मॉल पॉक्स वेरियोला जेनर वैक्सीन है, चिकन पॉक्स वेरीसेल्ला 2C रूल याद होता है चिकन यहाँ पे चिकन जो होगा सेल्ला होगा तो 2C रूल याद रख सकते हो, वेरियोला वेरीसेल्ला में कौन सा चिकन पॉक्स क्या करेगा, वेरिसेल्ला वैक्सीन से मेजल्स रूबियोला ये ओला बात करते हैं ठीक है, तो अगर आपको किसी से मिलने जाना है तो ओला बुक करो, MMR जर्मन मेजल्स रूबियेला दैट MMR येलो फेवर फ्लेवी वायरस MMR SARS वायरस डायग्नोस्ड बाय द PCR SARS कोरोना वायरस इज देयर जेंटल वायरस जो है आपके HPV इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो दीज आर द केसेस जो यहां पे पाए जाते हैं। इसके अलावा सम टॉपिक्स रिलेटेड टू द लीथल डोज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ड्रग के लिए भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, लीथल डोज एंड इन्फेक्टिव डोज या आपके इनहिबिटरी डोज के ऊपर बात करते हैं वहां पे। विल डिस्कस दोज थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टर्न के बारे में बात करते हैं कि इन्फेक्टिव डोज इज देयर जहाँ पे कि कंसेंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट विच 50% ऑफ द होस्ट विल बी इन्फेक्टेड। ये ID क्या है, ऐसा कंसेंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसपे कि 50% ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड हो जाए। एंड लीथल डोज क्या है कि कंसेंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट विच 50% ऑफ द होस्ट किल्ड मर जा रहे हैं, लीथल है। इन्फेक्टिव का मतलब सिर्फ इन्फेक्ट हो रहे हैं और लीथल का मतलब मर जाना हो गया। सो LD50 शुड बी ग्रेटर देन द ID50। कोई भी इंसान किसी भी डोज पे अगर मर रहा है मतलब वो हायर होगा। लीथल कैपेसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीथल डोज। जितना डोज कम लगेगा उसकी कैपेसिटी मतलब कम डोज में जितना 50% मारेगा वो उतना ही अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस होस्ट किल्ड एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 1, 2, 1, 3, 4 सबसे ज्यादा जो आपके कैपेसिटी है वो 2 की है क्योंकि कम डोज में ही मार दे रहा है।
वन है, फिर थ्री है, फिर फोर है। यहाँ पे आपका मिनिमम नंबर देखेंगे तो ये आपका सेकंड सबसे पहले, फिर इस तरीके से हो जाएंगे। तो लीथल डोज जितना कम उतना अच्छा। लीथल अगर ड्रग को अगर हम इसी से रिलेट करते हैं, इसी लीथल और आपके ड्रग से, तो ड्रग भी उसी ड्रग में बस इन्फेक्टिव की जगह इनिबिट्री डोज आ जाता है। इन द इनिबिट्री डोज एंड लीथल डोज, इनिबिट्री डोज क्या हो जाएगा, बस ड्रग के लिए कोई भी ड्रग अगर यूज़ करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट विच 50% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनिबिटेड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 50% इनिबिट हो गया, ग्रोथ स्टॉप्ड हो गया। लेकिन लीथल में हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट विच 50% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल्ड, अगेन LD50 विल बी ग्रेटर देन द ID50, एंड किसी भी ड्रग की इफेक्टिवनेस जो होगी वो दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द LD50। जितना कम LD50 उतना ही इफेक्टिव ड्रग। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेबल फॉर्म LD50 ABCD, इसमें 50, 10, 20 है, तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस, 10 सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि 10 के इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि मिनिमम LD50 है। इसी तरीके से फिर C, फिर आपका A एंड D, दीज आर द केसेज जो कि आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ देयर आर सम पैथोजेंस, जो अलग अलग पैथोजेंस पाए जाते हैं, दीज आर द सम पैथोजेंस। पैथोजेंस के केसेस में कई अलग अलग किस्से हैं, लेट्स सी हियर। सो दीज आर द पैथोजेंस, पैथोजेंस में सम बैक्टीरिया जैसे हेपेटाइटिस, हर्पेस, वार्ट्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बर्ड फ्लू, नॉर्वो, येलो फिलर, टाइफॉइड, टिटनस, ये अलग अलग क्या है, वायरसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। टाइफॉइड इज नॉट एक्जैक्टली वायरस, ये जनरली क्या होता है, बैक्टीरिया से डिजीजेस होते हैं, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफाइड, टिटनेस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, सारे बैक्टीरियल डिजीजेज है। तो दीज आर द बैक्टीरियल डिजीजेज, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, एंथ्रैक्स, बैसिलस एंथ्रैक्स, स्टमक अल्सर्स, लाइम डिजीज एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हैं यहाँ पे पाई जा रही हैं। फंजाई से रिलेटेड रिंग वॉर्म, ईस्ट इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस है, प्रोटोजोआ में मलेरिया, जीआरडीएसिस है, चागा डिजीज है, दीज आर थिंग्स। पैरासाइट्स में राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ट्राइजिनोसिस है। प्रोटीन्स के लिए कई सारे मैडकाउ डिजीज और क्रायोन्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो ये अलग अलग डिजीजेज हैं, एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं, जहाँ जहाँ पे हम आपके जरूरी नहीं कि सारा का सारा पैथोजन, सारी की सारी चीज़ें याद रखनी, कुछ कुछ याद रखना है। जैसे कि आपके एंथ्रेक्स क्या है, किससे कॉज किया जाता है, एंथ्रेक्स एरिथ्रीमा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके एरिथ्रीमा के बाद स्टेफाइलोकोकस स्केल्ड स्किन्स आर देयर एंड दीज आर द वुंड इन्फेक्शंस। देखिएगा क्या क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हैं, लेट्स लाइक ये आपका एंथ्रेक्स कौन कॉज करता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। ये होता है एंट्री ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस एंडोस्पोर थ्रू द कट और एब्रेशंस, इसके लिए हो जाता है, ठीक है। एंड ये साइन एंड सिम्टम्स में इसमें क्या हो जाएगा कि दैट साइट इन्फेक्स में लीड द सेप्टिसीमिया कैन बी फैटल। उसके बाद एरिथ्रीमा नोडोसम आपके पायरोजन से होता है, स्मॉल रेड नेड्यूल्स एसोसिएटेड विद अदर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस, स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होता है, एनवोन इन्फेक्शंस सीडोमोनास एरोगोनेसा से होता है। दीज आर द सम स्किन डिजीजेस विद द बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स, एरिथ्रीमा, स्टेफाइलोकोकस एंड ऑल, ये सारे क्या हैं, स्किन डिजीजेज है। नाउ इस पर्टिकुलर केस में बात करते हैं तो देखिएगा, दीज आर द सम प्रोटोजोअन डिजीजेस, जिसमें कि आपके अमीबाइसिस है, अमीबिक इंसेंट्री, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका पता होना चाहिए, जीआरडीएसिस, जीआरडिया लिम्बिया, ये भी आपको पता होना चाहिए, साइक्लोस्पोरियोसिस, साइक्लोस्पोरा से होता है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद जो नॉर्मली दीज आर लाइक यहाँ पे अमीबियासिस के साथ साथ एक होता है पायरिया, दैट एंटमीबा जिंजिवेलिस, अगर आपको याद हो तो एंटमीबा जिंजिवेलिस, ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं अलग अलग जगहों पे, टिथ में कॉज करता है, ठीक है। सो दीज आर द सम केसेस जो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं अलग अलग केसेस में। इसके अलावा कुछ डिजीजेज हैं जो पैरासिटिक डिजीजेज हैं जो इन्वॉल्व होते हैं पैरासाइट्स के साथ साथ, जैसे चागा डिजीज, ठीक है, चागा डिजीज आपको पता होना चाहिए, चागा डिजीज है, बेबसियोसिस है जो कि आपके बेबसिया स्पीसीज से होता है, लेस्मिनियासिस, मलेरिया, उसके बाद ये आपके कुछ पता होना चाहिए, बेप्सिया स्पीसीज से बेप्सियोसिस है, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, चागा डिजीज है, लेस्मिनिया से क्या है, लेस्मिनिया है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, फेल्सिपेरम ओवेल, फेल्सिपेरम सबसे ज़्यादा सीवियर हो जाता है इन केसेस में। सो दीज आर द सम ड्रग्स आपके, जैसे क्लोरोक्वीन, यहाँ पे कुछ कुछ ड्रग्स भी दिया हुआ है कौन कौन यूज़ किया जाता है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा कि बेप्सियोसिस बेप्सिया स्पीसीज है, चागा डिजीज, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी है, लेस्मिनियासिस लेस्मिनिया स्पीसीज है, मलेरिया प्लाज्मोडियम है। मैं हर एक डिजीज को जो आपको फोकस करना है उनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सारा का सारा आपको
लर्न ही कर लेना है। बैक्टीरिया में क्या है, कुछ कुछ आपको बताया गया था, जैसे कि आपके कैंपाइलोबैक्टर, जो जेजुनी गैस्ट्रोएंट्राइटिस है, कॉलेरा है, उसके बाद कुछ आपके गैस्ट्रोएंट्राइटिस में पेरफ्रिजेंस इन्वॉल्व हो जाता है, ईकोला इन्फेक्शंस इज देयर, आपके कॉलेरा वाइब्रियो कॉलरी कॉज करता है, ये आपको पता है, कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बताए गए थे। इसके अलावा कुछ हेलमेंथिक डिजीज है, जैसे कि एस्केरियासिस एस्केरिस करेगा, उसके बाद आपके एंट्रोबायोसिस है, एंट्रोबायस इन्वॉल्व हो जाता है, ट्राइकिनोसिस ट्राइकिनेला करेगा, इसके बाद लीवर फ्लू फैसियोला करता है। दीज आर सम लाइक केसेज, जो हुकवम होते हैं, हुकवम भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, नेक्टर्स एंड ऑल, तो दीज आर सम केसेज जो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसके लिए, आपके हेलमेंथिक के लिए, एस्केरियासिस है, हुकवम्स हो गए, एंट्रोबायोसिस है, ट्राइकियोसिस है, ट्राइकिनेला है, ज़्यादातर नाम देखिए मिलता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है, ज़्यादातर नाम जो होगा मिलता हुआ मिलेगा, लीवर फ्लूक फेसियोला इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाती हैं। दीज आर द सम फंगल डिजीजेज इन द प्लांट, फंगल डिजीजेज में कुछ प्लांट के लिए डिजीजेज पाए जा रहे हैं, जैसे कि लीफ ब्लाइट ऑन द वीट, एंटे अल्टरनेरिया है, अल्टरनेरिया ट्रिटिकाना है, फंगल पैथोजन है, लीफ ब्लाइट के लिए पाया जा रहा है। इसके बाद जो होता है दैट अर्ली ब्लाइट ऑफ द पोटैटो और टोमेटो, दैट अल्टरनेरिया सोलेनाई है, ठीक है, इसके बाद दिस इज लेट ब्लाइट ऑफ द पोटैटो, फाइटोफ्थोरा है, फाइटोफ्थोरा फॉर द लेट ब्लाइट है, विल्ट ऑफ द पोटैटो, दिस इज लाइक विल्ट ऑफ द पोटैटो, दिस क्लोरिटियम है, ये के कुछ कुछ डिजीजेज हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, फंगल पैथोजन्स एंड मेजर क्रॉप्स कहाँ कहाँ पे होगा, पाइनएप्पल डिजीजेज भी कभी कभी पूछा जाता है, दैट इज पाइनएप्पल डिजीज इन द सुगर केन, दैट सीराटोसिस्टिस, सो दीज आर द केसेस जो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, होप कि आपको मज़ा आया होगा, सीखे होंगे आप कई सारी चीज़ों के बारे में, हम आपसे मिलेंगे आगे भी कई सारी चीज़ों के लिए और लर्न करेंगे और मज़ा भी आएगा, अभी मैं PYQs वगैरह भी सॉल्व करा दूंगा आगे, तो देखते रहिए इस कोर्स को। Hey guys, my name is Viren Singh. If you want to crack CSIR, you just connect with India's largest learning platform. So yes, we are here. I am the Virendra Singh and I teach CSIR Life Science on an academy platform. आप CSIR लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे मेरे साथ और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, जहां पे आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर। सो अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करिए, लॉग इन करिए और वहां से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को या तो प्लस या तो आइकॉनिक ले लीजिए, जिससे कि आपको क्या है कि बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलके आपके सपने को पूरा कराएंगे। तो जी हाँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेरे बारे में कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इसी के लिए जुड़ा हूँ। सो दिस इज मी, आई हैव एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ थिंग्स, सो उनमें से आई टीच CSIR लाइफ साइंस एंड मैं CSIR, DBT, GATE ये सब एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुका हूँ। आई एम द लीजेंड एजुकेटर इन दिस कैटेगरी इन द CSIR। माई PhD इज रनिंग फ्रॉम IIT BHU। आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन द BTech एज वेल एज इन द MTech। I was known for the interesting explanation and I was known for the trick master too. So I have guided more than 1000 qualified candidates. So aap mere sath Unacademy pe judke CSIR ka sapna pura kar sakte hain. Saath hi mein Unacademy Plus aur Iconic do tarike ke subscription Unacademy leke aaya hai. Plus mein aapko milte hain live classes, weekly test, structured courses, unlimited access. Ye sari cheeze Plus mein milti hain. In sab ke alawa Iconic mein कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, जैसे स्टडी प्लानर है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, टेस्ट एनालिसिस एंड पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच आपको मिलता है। एक बार अगर कंपैरेटिव बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और शेड्यूल्स मिलता ही मिलता है। आइकॉनिक में इन सब के अलावा जो है आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस एंड पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग भी मिलता है। सो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज करना चाहते हैं तो 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन 3, 6, 12 और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है CSIR के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और कोड जो है वो यूज कर सकते हैं Viren और Viren Live टू गेट द डिस्काउंट। सो प्लस क्लासेस जो कि मेरे स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको इस वीडियो में जुड़ा हूं, तो माय प्लस क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं 4th of July से। जी हाँ, 4th of July से जो है मेरे प्लस क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो जुड़िए इस 4th of July से।
दिसंबर बैच के लिए, जिसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 अभी स्टार्ट हो रहा है 4th ऑफ जुलाई से 5:30 और 8:30 पीएम पे, जो कि आप देख सकते हैं। इनको एक्सेस करने के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा कहां पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरी क्लासेस में जुड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं कई सारे स्पेशल क्लासेस भी लेता रहता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो अनअकैडमी के ऐप पे मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं और फ्री एक्सेस कर सकते हैं कई सारे कंटेंट्स को। साथ ही में अनअकैडमी के ऑफर्स जो है वो लेके आए गए हैं, तो कई सारे ऑफर्स अनअकैडमी के चलते रहते हैं। तो दीज आर द अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं सीएसआईआर को, ठीक है। वॉन्ट टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, या टेलीग्राम चैनल पे जो है unacademy/वीरेन सिंह के साथ जुड़ सकते हैं। यह सिर्फ आप वीरेन सिंह सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जुड़िए फॉर द नोट्स, फॉर द थिंग्स और फॉर द क्लासेस आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्री क्लासेस स्पेशल में, प्लस जो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।